Hello everyone, I welcome you all again in our next class. Students, as you know, we are reading our chapter number 11 and the name of our chapter number 11 is The Earth and Its Neighbors, Prithvi Tatha Iske Padosi. Students, today we will know about solar system. Beta, aaj hum apne saur mandal ke bare mein janenge aur padhenge. Okay, but before starting this topic, now let's do a quick recap of our previous session. Beta, in our previous session, we have studied about the movements of the earth. Beta, हमारी जो earth है, वो दो तरह के movements show करती है, जिसमें से पहला है rotation और दूसरा है revolution. Now, what is rotation? जब earth अपनी ही axis पर west direction से east direction की तरफ घूमती रहती है, लट्टू की तरह बेटा जब earth घूमती रहती है अपनी ही धुरी पर, तो इसे हम क्या बोलते हैं? Rotation of the earth. Okay? जब earth लट्टू की तरह अपनी एक्सिस पर या अपनी धुरी पर वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की ओर क्या करती रहती है? स्पिन करती रहती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? रोटेशन ऑफ द अर्थ. ओके, ये मूवमेंट क्या कहलाती है बेटा? अर्थ की रोटेशन कहलाती है. अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन स्पिन. जो अर्थ होती है वो पूरा एक स्पिन मतलब ये आप देख सकते हो मार्कर अपनी ही जगह पर ये स्पिन कर रहा है. ठीक है, तो इस तरह से अर्थ अपना एक स्पिन कंप्लीट करने में 24 आवर्स या वन डे का टाइम लेती है. ठीक है, डे एंड नाइट आर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ. दिन और रात अर्थ के रोटेशन के कारण होते हैं. नाउ द सेकंड मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज रिवोल्यूशन. व्हाट इज रिवोल्यूशन? अर्थ मूव्स अराउंड द सन. अर्थ क्या करती है बेटा? सन के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है ऑन अ फिक्स्ड पाथ. एक फिक्स पाथ पर अर्थ सन के चारों तरफ क्या करती रहती है? चक्कर लगाती रहती है. ओके, तो इसे हम क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ बोलते हैं. ये मूवमेंट क्या कहलाती है? रिवोल्यूशन कहलाती है. अर्थ टेक्स 365 डेज और वन ईयर टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन. जो पृथ्वी है बेटा वो अपना एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में पूरे एक साल का समय लेती है. ठीक है, एंड सीजन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. और सीजन कैसे फॉर्म होते हैं बेटा? अर्थ की रिवोल्यूशन के कारण होते हैं. ओके, तो ये थी हमारी अर्थ की दो मूवमेंट्स. नाउ लेट्स नो अबाउट द सोलर सिस्टम. अब हम अपने सोलर सिस्टम या सौर मंडल के बारे में जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. स्टूडेंट्स, टेक योर बुक, ओपन योर चैप्टर नंबर 11, पेज नंबर 104, प्लैनेट्स एंड द सोलर सिस्टम. प्लैनेट का मतलब होता है बेटा ग्रह, तथा सोलर सिस्टम का मतलब होता है सौर मंडल. ओके, तो आज हम ग्रहों तथा सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे. द वर्ड प्लैनेट मीन्स वॉन्डर. बेटा प्लैनेट वर्ड का मतलब होता है वॉन्डरर. वॉन्डरर का मतलब होता है इधरने वाला या घूमने वाला. ठीक है, प्लैनेट्स आर द लार्ज हेवनली बॉडीज दैट ऑर्बिट अ स्टार. प्लैनेट्स क्या होते हैं बेटा? ये लार्ज मीन्स बड़े. हेवनली बॉडीज आकाशीय पिंड. प्लैनेट्स बहुत बड़े बड़े आकाशीय पिंड होते हैं जो कि एक तारे के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं. ऑर्बिट का मतलब होता है एक फिक्स पाथ में या एक फिक्स रास्ते पर इधर उधर चक्कर लगाना. ठीक है, तो किसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं? एक तारे के. और वो तारा कौन है? उसका नाम है सन. ठीक है, तो सारे प्लैनेट्स किस तारे के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं? सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. दीज आर मेड ऑफ गैस, मेटल और रॉक्स. बेटा ये जो प्लैनेट्स हैं ये गैसेस से बने हैं. मेटल का मतलब होता है धातु, तथा रॉक्स का मतलब क्या होते हैं? चट्टान या कंकड़ पत्थर. ठीक है, ये रॉक्स, मेटल तथा गैस से बने हुए गोले होते हैं. प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन फिक्स पाथ कॉल्ड ऑर्बिट. सारे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं और इस मूवमेंट को हम रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं. और जिस फिक्स पाथ पर ये सारे चक्कर लगाते हैं उस पाथ को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्बिट बोलते हैं. इसीलिए सारे प्लैनेट्स आपस में टकराते भी नहीं हैं क्योंकि ये अपने एक निश्चित या अपने तय रास्ते पर ही चलते हैं. ठीक है, विदाउट अ टेलीस्कोप प्लैनेट्स एंड स्टार्स लुक अलाइक. बेटा
बिना टेलीस्कोप के अगर हम देखेंगे तो हमें प्लैनेट्स और स्टार सब एक जैसे ही दिखाई देते हैं। अगर हम दूर आसमान में देखते हैं बेटा, तो सब हमें चमकते हुए तारे जैसे ही दिखाई देते हैं। बट एस्ट्रोनॉमर्स नोटिस्ड दैट सम ऑब्जेक्ट्स स्लोली चेंज देयर पोजिशन। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स ने ये नोटिस किया कि कुछ ऑब्जेक्ट आसमान में ऐसे भी दिखाई देते हैं जो धीरे धीरे अपनी पोजिशंस या अपनी स्थिति को चेंज करते रहते हैं। बेटा, एस्ट्रोनॉमर्स को हिंदी में हम खगोल शास्त्री या खगोल विज्ञानी कहते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं बेटा, ये यूनिवर्स की पढ़ाई करते हैं और यूनिवर्स के बारे में रिसर्च करते हैं। दीज ऑब्जेक्ट्स आर द प्लैनेट्स ट्रैवलिंग अराउंड द सन। और ये जो मूव करते हुए ऑब्जेक्ट्स हैं बेटा, ये एक्चुअल में प्लैनेट्स हैं जो कि सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। प्लैनेट्स क्लोज टू द सन टेक लेस टाइम व्हाइल प्लैनेट्स फार अवे टेक मोर टाइम टू रिवॉल्व अराउंड द सन। बेटा, जो प्लैनेट सन के पास है वो कम समय लेता है अपना एक चक्कर पूरा करने में, तथा जो प्लैनेट सन से दूर है वो ज़्यादा समय लेता है अपना एक चक्कर कंप्लीट करने में। लेकिन ये सारे प्लैनेट्स अपने निश्चित रास्ते पर ही घूमते रहते हैं और उस निश्चित रास्ते को हम ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन अवर सोलर सिस्टम देयर आर 8 प्लैनेट्स। बेटा, हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 या 8 ग्रह हैं। दीज आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ये ग्रह कौन कौन से हैं बेटा, ये हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। बेटा, ये जो सारे नाम दिए गए हैं ये किस क्रम में दिए गए हैं, ये सन से डिस्टेंस के क्रम में दिए गए हैं। ठीक है, अर्लियर देयर वर 9 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इंक्लूडिंग प्लूटो। बेटा, पहले हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे। इन सारे प्लैनेट्स के अलावा प्लूटो भी हमारे सोलर सिस्टम का ही एक पार्ट था। बट नाउ प्लूटो हैज़ बीन कैटराइज एज ड्वार्फ प्लैनेट ड्यू टू इट्स स्मॉल मास। बेटा, लेकिन अब प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट या बोना प्लैनेट कहा जाता है। द सन, द 8 प्लैनेट्स एंड देयर मून्स मेक अप द सोलर सिस्टम। सूरज, सारे 8 ग्रह तथा उनके जितने भी मून्स हैं सब मिलकर हमारा सौर मंडल बनाते हैं। ओके बेटा, तो हमारे सोलर सिस्टम में टोटल कितने प्लैनेट्स हैं, दे आर इन नंबर ऑफ 8। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, नाउ लेट्स नो अबाउट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट प्लैनेट्स। आइए अब हम प्लैनेट्स के बारे में कुछ रोमांचकारी तथ्य जानते हैं। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट एंड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। मरकरी, जिसे हिंदी में हम बुध ग्रह के नाम से जानते हैं, ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है तथा यह सन के सबसे पास का ग्रह है। वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इवन हॉटर देन मर्क्यूरी। वीनस जो कि दूसरे नंबर पर है सन से, बट ये सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट है। ठीक है, ये मर्क्यूरी से भी ज़्यादा गर्म होता है। इट इज़ ऑल्सो द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन स्पेस। और पूरे स्पेस या पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा चमकने वाला ऑब्जेक्ट भी है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार एज इट इज़ सीन एट डॉन और डस्क। बेटा, इसे हम मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एवरी प्लैनेट इंक्लूड द अर्थ स्पिन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जितने भी प्लैनेट्स हैं बेटा, वो सन का चक्कर लगाते समय वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जाते हैं। बट वीनस स्पिन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। लेकिन वीनस, जिसे हिंदी में हम शुक्र ग्रह कहते हैं, ये ही एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जो सन का जो रिवॉल्यूशन होता है बेटा, वो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ करता है। अवर अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन इट। पानी उपस्थित होने के कारण अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। इट इज़ द ओनली प्लैनेट विद लाइफ। ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर लाइफ है। ठीक है बेटा, स्पेस से देखने पर हमारी अर्थ ब्लू कलर की दिखाई देती है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो 71% पानी से भरी हुई है। हमारी अर्थ पर 71% पानी है, इसी वजह से स्पेस से ये कैसी दिखाई देती है, ब्लू कलर की दिखाई देती है। मार्स इज ऑल्सो कॉल्ड रेड प्लैनेट ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ रेड डस्ट ऑन इट। मार्स या मंगल ग्रह को बेटा हम रेड प्लैनेट या लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं।
मार्स को रेड प्लैनेट क्यों कहा जाता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड डस्ट ऑन इट, इस पर मिट्टी की जगह बेटा लाल धूल पाई जाती है, ठीक है। इस पे जो धूल पाई जाती है, मिट्टी है, वो लाल रंग की है, इसीलिए इसे हम रेड प्लैनेट कहते हैं। जुपिटर इज द बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट। जुपिटर, जिसे हिंदी में हम बृहस्पति ग्रह कहते हैं, ये सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। विच इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट, जुपिटर, एंड इट इज़ द फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट बेटा, और ये अपनी धुरी या अपनी एक्सिस पर घूमने वाला सबसे फास्ट प्लैनेट है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून ऑल हैव रिंग्स। बेटा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इन चारों ग्रह के चारों तरफ रिंग है। सैटर्न रिंग आर मोस्ट ब्रिलियंट। सैटर्न की रिंग सबसे ज़्यादा चमकदार है, इसीलिए हमें दिखाई देती है। जुपिटर एंड सैटर्न आर द विंडियस्ट प्लैनेट। बेटा जुपिटर और सैटर्न प्लैनेट्स पे सबसे तेज हवाएं चलती हैं। नेपच्यून इज़ द फादेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। नेपच्यून सूरज के सबसे दूर का ग्रह है, ये सूरज से सबसे दूरी पर स्थित है। इट हैज़ अ ग्रेट डार्क स्पॉट। इस प्लैनेट पर बहुत सारे बड़े बड़े डार्क स्पॉट, काले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आई विल प्रोवाइड यू असाइनमेंट शीट रिलेटेड टू दिस चैप्टर। बेटा मैं आपको एज अ होमवर्क असाइनमेंट शीट दूंगी इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसे आपको अपनी होमवर्क कॉपी में सॉल्व करना है और उसे अपने एज अ होमवर्क मुझे सेंड करना है। ओके।